Realme 8S 5G, infinitely powerful. तो दोस्तों क्या हाल है, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एक तगड़ा वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसमें गेमिंग फीचर्स हो या फिर गेमिंग फीचर्स के साथ आपको 5G भी मिले, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको Realme का दो स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही जल्द इंडिया पर लॉन्च हो रहा है। लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ Realme 8i और Realme 8s का, जो कि फ्लिपकार्ट में टीजर आ चुका है। तो कब तक ये फ़ोन लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगा, क्या फीचर्स होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक देखना। उससे पहले चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। Realme 8i और 8s का जो डिजाइन है, इससे पहले भाई लीक्स होकर निकल के आ चुका है, जो कि इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, फिर भी आप जो है स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहां पर यह जो डिजाइन होगा कुछ इस तरीके से होगा। बट यहां पर अगर फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले 5G फोन के बारे में बात करें तो यह फोन आ जाता है Realme 8s, जो कि 5G के नाम से इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा। यहां पर आपको वर्ल्ड का पहला फोन होगा जिसमें MediaTek की तरफ ये वाला चिपसेट 5G चिपसेट आपको मिलेगा, जो है MediaTek Dimensity 810 एक 5G चिपसेट, जिसमें आप गेम काफी अच्छा खेल सकते हैं और 5G का मजा यहां पर आप उठा सकते हैं। लेकिन जो डिस्प्ले होगा मोबाइल में, वो 6.5 इंच का डिस्प्ले होगा, जो कि एक FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला होगा, और यहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। शायद गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल सकता है और आपको पंच होल देखने को मिल जाएगा। बट यहां पर अगर बात करते हैं कैमरा सेंसर का, तो आपको इस बार जो है 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो प्राइमरी लेंस होगा, बाकी अलग से आपको सेंसर मिल जाएगा दो तीन। और यहां पर अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 यानी 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा होगा। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको कैमरा काफी अच्छा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहां पर मोबाइल का बैटरी का, तो आपको 5000mAh का बैटरी होगा और यहां पर फास्ट चार्जिंग आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, जो रहेगा 33 वाट का, और यहां पर टाइप सी का भी पोर्ट आपको मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 होगा और यहां पर आपको शायद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। और मेरे ख्याल से मोबाइल जो है दो वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। ये सारे फीचर्स के साथ जो है ये 5G वाला फोन इंडिया पे लॉन्च हो रहा है 9 सितंबर को, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, यही वाला हफ्ते में जो है इंडिया पे लॉन्च हो रहा है और फ्लिपकार्ट में लॉन्च हो रहा है। और इसी के साथ आपको Realme 8i भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक 4G फोन होगा, बट यहां पर इस फोन में आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा। डिजाइन तो भाई इससे पहले दिखा चुका हूं, बट अगर फीचर्स की बात करते हैं तो ये इंडिया का पहला फोन होगा जिसमें आपको MediaTek की तरफ से MediaTek Helio G96 एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसमें आप काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस उठा सकते हैं। और ये वाला प्रोसेसर 4G है, तो इस फोन में आपको 4G सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहां पर आपको FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला 6.5 इंच का एक डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, पंच होल होगा, और यहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ फीचर्स होगा डिस्प्ले में। बट यहां पर कैमरा सेंसर थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा, और साथ में अगर सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो 16 यानी 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगर बैटरी का, तो यहां पर आपको 5000mAh का बैटरी होगा और साथ में फास्ट चार्जिंग डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा, बट ये कितना वाट का होगा ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 होगा और Realme UI आपको देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल में शायद AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है, बट ये अभी तक जो है रिवील नहीं किया गया है ऑफिशियली। तो ये सारे फीचर्स के साथ Realme 8i भी आपको 9 तारीख यानी 9 सितंबर फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन फ्लिपकार्ट में ही लॉन्च किया जा रहा है। अब बात आता है भाई प्राइस का। देखिए जो 5G फोन होगा Realme 8s, उसका प्राइस 6G वाला वेरिएंट का जो प्राइस होगा, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड प्राइस मैं बता रहा हूं, वो लगभग 16,000 से 17,000 तक जा सकता है। और जो 4G वाला फोन है Realme 8i, वो फोन जो है 13 से 14 हज़ार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार तक जा सकता है, और ये 4GB 128GB वाला वेरिएंट होगा। अब देखते हैं Realme किस प्राइस रेंज पे इस दोनों फोन को लॉन्च करता है। हम लोग वेट करेंगे, 9 तारीख दोनों फोन फ्लिपकार्ट में आ जाएगा, तब आपको डिटेल्स में और एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ये था कुछ डिटेल्स Realme का दो फोन के बारे में। आप बताना भाई कौन सा फोन आपको ज़्यादा बेटर लगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए मिलते हैं और कोई और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।